अरे काट जल्दी काट जल्दी काट जल्दी काट। अरे यार 3 बार कटवा चुका है तू, कब तक हाथ से भरूंगा मैं? मान जा थक चुका हूँ मैं 3 बार हाथ से भर भर के। आपकी भी यही प्रॉब्लम है? तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं बैठा हूँ ना आपके लिए। चलते हैं अपने नए आइडिया के साथ में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस टाइप से तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो, ये जो मैंने मशीन ऑलरेडी पहले बनाई थी इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। तो उसमें क्या है, मैंने मोटर नहीं लगाई थी, बस ये मशीन बना के दिखाई थी आपको। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, मशीन बनाना सिखाया था। और इस वाली वीडियो में मैं आपको इसमें मोटर लगाना दिखाऊंगा, ठीक है। मोटर किस टाइप से लगा सकते हो आप इसमें, 12 वोल्ट की मोटर लगाई है मैंने, तो ये किस टाइप से लगाएंगे तो मैं आपको यहाँ पर पहले चेक करके दिखा देता हूँ कि अच्छे से वर्क कर रही है हमारी। तो यहाँ पर इस टाइप से आप कोई सी भी जो आपकी चरखी होती है वो लगा सकते हो, छोटी बड़ी कोई सी भी, प्लास्टिक की, लोहे की, कोई सी भी लगा सकते हो। अलग अलग टाइप की जो चरखी होती है वो लगा सकते हो इसमें, और आप मांझा भर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो मोटर लगाई है फ्रेंड्स, ये आप बैटरी से लगा सकते हो, इसे बैटरी से कनेक्ट कर सकते हो, 12 वोल्ट की बैटरी का कनेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, ये जो बैटरी है मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया है यहाँ पर, और आप चार्जर का भी यूज़ कर सकते हो, जो 12 वोल्ट का अडैप्टर होता है उसका भी, या फिर ट्रांसफार्मर किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको, मांझा मैंने निकाल दिया है और देख सकते हो ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, और काफ़ी अच्छे से हमारा मांझा भर रहा है फ्रेंड, देख सकते हो यहाँ पर, और काफ़ी जल्दी इसने मांझा भर के दिखा दिया आपको सामने, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले हम पुली बनाएंगे, और पुली बनाने के लिए यहाँ पर मैं MDF बोर्ड का यूज़ करने वाला हूँ। तो फ्रेंड आपको स्केल लेना है और एक यहाँ पर प्रकार लेना है, और उस प्रकार को यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर खोलना है। इसके बाद फ्रेंड आपको MDF बोर्ड पे बिल्कुल गोल सर्किल बनाना है, और उसे वहाँ से कट करना है। तो फ्रेंड्स MDF बोर्ड आपको प्लाईवुड की शॉप पर आराम से मिल जाएगा, और जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पर गोल सर्किल ले लिया, और इस टाइप से मैंने 3 सर्किल कट किए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हो 2 सर्किल है फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल सेम साइज़ के कट किए हैं, और 1 सर्किल जो थोड़ा छोटा कट किया है, 1 सेंटीमीटर छोटा कट किया है। तो इसकी साइज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही है फ्रेंड्स, इस टाइप के आपको यहाँ पर कट करने हैं। इसके बाद फ्रेंड जो बड़ा वाला सर्किल है उसको लेना है आपको यहाँ पर। उसके बाद बीच में मैंने एक होल किया, उसमें नट डाला एक, तो इस टाइप से आप डाल लीजिए नट बोल्ट कुछ भी। और फेविक्विक लेना है आपको, और छोटे वाले को बीच में डालना है इस टाइप से, देख सकते हो। और इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर फिर फेविक्विक डालेंगे हम, या फिर आप फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फेविकोल में आपको सूखने के लिए उसे टाइम देना होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर हमारी पुली है वो तैयार हो चुकी है, देख सकते हो बड़ी वाली जो पुली है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बना ली है, और देख सकते हो इसमें बीच में यहाँ पर गैप है जिसमें हमारा जो बेल्ट है वो रन करेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें काफ़ी कम जगह है बेल्ट घूमने के लिए, तो इस पर जगह बढ़ानी पड़ेगी हमें। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सैंड पेपर का यूज़ करूँगा, और इसमें यहाँ पर थोड़ी जगह कर दूंगा, जैसे देख सकते हो जिस टाइप से पुली होती है फ्रेंड, उस टाइप से आपको यहाँ पर शेप देना है इसे। तो इस टाइप से आपको इसे घिसना है बीच में से, ताकि इसमें जगह हो जाएगी, और हमारा बेल्ट वो आराम से इसमें घूमेगा, और हमारी पुली का वर्क करेगी पूरे का पूरा। तो जैसे देख सकते हो फ्रेंड्स, इसको मैंने पुली का पूरा शेप दे दिया यहाँ पर, गोल आकार में दे दिया, इसके बीच में गैप मैंने गोल आकार में कर दिया है, देख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स इसी टाइप से मैंने एक छोटी वाली पुली भी बना ली है, जो मोटर में लगेगी हमारी। तो इसकी जो साइज़ है फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी अभी हाल, तो देख सकते हो स्क्रीन पे बड़ी वाली की साइज़ और छोटी वाली की साइज़। और इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैं एल्यूमिनियम का एक पाइप ले रहा हूँ, आप प्लास्टिक का पाइप भी ले सकते हो, लोहे का पाइप भी ले सकते हो, किसी भी का भी पाइप ले सकते हो। और इसकी साइज़ इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो आपका बेयरिंग है फ्रेंड्स, जो आपने मशीन में लगाया था, इतना बड़ा इसमें आना चाहिए। और फ्रेंड मशीन मैंने ऑलरेडी बना दी है, आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो हमारा एल्यूमिनियम का पाइप है उसे मैं हेक्सा ब्लेड के द्वारा यहाँ पे कट कर रहा हूँ, जैसे देख सकते हो। आप अपने हिसाब से इसकी साइज़ ले सकते हो, इसकी ज़रूरी नहीं कि आपको मैं जितनी बड़ी साइज़ ले रहा हूँ उतनी बड़ी ही लेनी है आपको, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बस एक आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड्स इसको मैंने कट कर लिया है, अब हमें क्या करना है, जो हमारी पुली बनाई थी बड़ी वाली उसके बीच में इतना बड़ा होल करना है कि ये जो हमारा पाइप है इसके अंदर आराम से आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना बीच सेंटर में आपको इसका होल करना है, टेढ़ा मेढ़ा होल नहीं करना, वरना हमारी पुली ढंग से वर्क नहीं करेगी। तो इस टाइप से देख सकते हो मैंने इसमें होल कर लिया, और आराम से ये हमारा पाइप इसके अंदर आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो पाइप लिया था हमने इसको पीछे की साइड से थोड़ा कट करना है, और इसे पीछे का जो मुंह है इसको बंद करना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जब इसमें हम चरखी लगाएंगे तो इसका जो हैंडल होगा वो यहाँ पर रुकना चाहिए। अगर इसमें हम नहीं लगाएंगे ये, तो हमारा हैंडल बाहर निकल जाएगा और हमारी चरखी घूमेगी नहीं मोटर के साथ में। तो इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ मैं इस टाइप से, जैसे देख सकते हो मैं प्लायर के द्वारा इसको यहाँ पर बंद कर रहा हूँ इस टाइप से। तो ये हमारा बंद हो चुका है, जैसे देख सकते हो। इसे थोड़ा सा पैक करना है आपको बस, ठीक है। तो इसके बाद फ्रेंड इसे हम बेयरिंग में लगा देंगे, लेकिन बेयरिंग में लगाने से पहले इसे पैक करना होगा अच्छे से टाइट, क्योंकि ये ढीला नहीं रहना चाहिए हमारा। और फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर इसी टाइप की अमेजिंग वीडियो बनाता रहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना अभी भी। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो बेयरिंग है इसको मैंने खोल लिया मशीन में से, अभी आपको दिखाने के लिए आसानी रहे आपको देखने में, इसलिए।
तो इस टाइप से मैंने इसको लगा दिया यहाँ पर टेप लगाकर। इसके बाद यहाँ पर मैं फेविक लगाकर इसको चिपका देता हूँ अच्छे से टाइट। और ध्यान रखें बेरिंग के अंदर फेविक नहीं जानी चाहिए वरना ख़राब हो सकता है बेरिंग। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो पुली है फ्रेंड्स इसको पाइप पर यहाँ पर इस टाइप से लगा देंगे हम, देख सकते हो आप। और यहाँ पर इसे फेविक से चिपका देंगे हम। और फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ कभी भी, तो अगर आपको देखना है मेरे चैनल पे और वीडियोस भी देख सकते हो आप। कभी मैंने कोई फेक वीडियो नहीं बनाई है, और जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको खुद को पता है कि मैं कभी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, सारी वीडियो रियल होती है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो जो बेरिंग है फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पर हमारी मशीन में वापस लगा देंगे जहाँ से हमने खोला था, और इसको यहाँ पर फेविक से द्वारा चिपका देंगे बेरिंग को भी मशीन के अंदर। तो फेविक आपको ध्यान रखना है बेरिंग के अंदर नहीं जानी चाहिए, बस बार बार ही आपको लगानी है वरना बेरिंग ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमारा जो बेरिंग है इसमें फिक्स हो चुका है और ऊपर वाली पुली बिल्कुल काम करने के लिए तैयार है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एक मोटर लेनी है। और जैसे देख सकते हो मेरे पास एक पुरानी मोटर थी, ये फ्रेंड्स आपको मार्केट में मिल जाएगी 70 से 80 रुपये की 12 वोल्ट की मोटर है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। और इसमें जो छोटी वाली पुली है फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पर फिट करेंगे और इसको यहाँ पर लगाएंगे नीचे की साइड में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं यहाँ पर बेल्ट लगाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स बेल्ट अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप जाके बोलोगे क्या कि हमें मशीन बनानी है उसमें बेल्ट लगाना है, तो आपको कहीं पर मिलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक आइडिया दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा कुकर होता है फ्रेंड प्रेशर कुकर जिसमें हम दाल वाल पकाते हैं, तो उसकी जो रिंग होती है उसके ढक्कन में लगती है, तो सीलिंग रिंग होती है फ्रेंड्स ये, तो 15 रुपये की मिल जाएगी आपको मार्केट में फ्रेंड्स। और ये बेल्ट के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पर। और इस टाइप से मैंने एक आइडिया लगाया फ्रेंड्स कि इसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स, देख सकते हो इस टाइप से हमारी जो बेल्ट का ये वर्क करेगी यहाँ पर। और आपको आसानी से मिल भी जाएगी फ्रेंड्स, जहाँ पर बर्तन मिलते हैं हमारे जो कुकर मिलता है वहाँ पर ये आराम से मिल जाएगी 15 रुपये में। तो फ्रेंड्स आइडिया अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। इसके बाद फ्रेंड जो हमारी पुली है उसको मोटर के शाफ्ट पर हम लगाकर इसको चिपका देंगे फेविक से। और ध्यान रखना है आपको मोटर के अंदर फेविक नहीं जानी चाहिए वरना ख़राब हो सकती है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर MDI बोर्ड का मैं एक टुकड़ा ले रहा हूँ और यहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री पर एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा मोटा कर दूंगा लाइन को यहाँ पर, और जहाँ पर मैंने लाइन खींची है फ्रेंड इसको यहाँ पर कट करना है आपको, ठीक है। तो वी शेप में आपको कट करना है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो वीडियो में मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पर मैंने हल्का सा इसको ऊपर से कट किया है, पूरा आपको कट नहीं करना है MDI बोर्ड को, हल्का सा कट करना है ताकि हमारे मोटर यहाँ पर चिपका सके हम। और इसको यहाँ पर फेविक के द्वारा चिपका दीजिए आप। और देख सकते हो मैंने दो साइडों में यहाँ पर सपोर्ट लगाए मोटर पर ताकि इसे और मजबूती मिल जाए। और फ्रेंड देख सकते हो आप यहाँ पर ये खुलने वाली नहीं है बिल्कुल भी। अगर फ्रेंड्स आपको फिर भी लगता है तो आप ऊपर से एक लोहे की पत्ती लगा सकते हो, लेकिन फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है इसे चिपकाने की पत्ती के द्वारा, काफ़ी मजबूती से चिपक जाएगी यहाँ पर, ठीक है। देख सकते हो काफ़ी मजबूती से चिपक चुकी है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस बोर्ड को यहाँ पर लगाना है। तो आपको सबसे पहले बेल्ट को सेट करना होगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसको बिल्कुल 90 डिग्री पर ही लगाना है आपको, टेढ़ी मेढ़ी रहेगा फ्रेंड्स, आगे पीछे रहेगी मोटर तो वो बेल्ट हमारा उतर जाएगा और हमारा वर्क नहीं करेगा है, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि हमारा तो वर्क नहीं कर रहा है, फेक वीडियो ऐसा है वैसा है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से लगाना है। और ज़्यादा ना तो टाइट होना चाहिए बेल्ट, ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा टाइट रहेगा तो भी मोटर वर्क नहीं करेगी, लोड ज़्यादा पड़ेगा उसके ऊपर, और ज़्यादा ढीला रहेगा फ्रेंड्स तो ये बार बार उतर जाएगा। तो यहाँ पर आप फेविक द्वारा इस पट्टी को लगा दीजिए और हमारा चलने के लिए तैयार है, देख सकते हो आप। अब फ्रेंड्स इसमें हम यहाँ पर वायरिंग कर लेंगे, इसमें स्विच लगा देंगे ताकि इसे बंद चालू किया जा सके। तो यहाँ पर एक मैं स्विच का यूज़ करूँगा फ्रेंड्स और इसका मैं कनेक्शन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स कनेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, एक कोई से भी वायर में आप इसका बीच में कनेक्शन कर दीजिए, एक वायर सीधा मोटर से कनेक्ट कीजिए और एक वायर बैटरी से जहाँ पर हम लगाएंगे वहाँ से कनेक्ट करना है, और एक कोई सा भी वायर मोटर से लेकर सीधा बैटरी में कनेक्शन करना है। तो काफ़ी सिंपल है फ्रेंड्स कनेक्शन करना, इसका कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, देख सकते हो आप ईजिली इसका कनेक्शन हो जाएगा। कोई ज़्यादा मैंने यहाँ पर कनेक्शन नहीं लगाया ज़्यादा ताकि आपको बनाने में मुश्किल हो। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर स्विच को मैं लगा दूंगा इस MDI बोर्ड के ऊपर ताकि हम इसे इजीली कंट्रोल कर सकें। तो आप फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हो या फिर ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो इसे चिपकाने के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पर ये इजीली लग चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे बैटरी से भी चला सकते हो, 12 वोल्ट के एडाप्टर से भी चला सकते हो, ट्रांसफार्मर से भी चला सकते हो, जो भी 12 वोल्ट की सप्लाई होती है फ्रेंड उससे आप इस मोटर को चला सकते हो आराम से, ठीक है। आप कमेंट करोगे किससे चलाएंगे किससे नहीं, तो आप अपने हिसाब से किसी से भी इसे चला सकते हो। हाँ कटवा जब मर्जी पड़े जितनी कटवा दे रही पतंग, अपने पास टेंशन मत ले, अपने पास मशीन है मंजा भरने की, तू जितने पतंग कटवाएगा उतनी देर तक मैं मंजा भरता रहूँगा, ठीक है। कट गई पतंग,
तो फ्रेंड्स अब मांजा भरने की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा माइंड लगाइए, थोड़ा सा आपको टाइम वेस्ट करना होगा हल्का सा, लगभग आपको 2 या 3 घंटे के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगी मशीन। और फ्रेंड्स काफ़ी कम रेट में मैंने बना के दिखाई है, आपको देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप मार्केट से लेने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें मोटर भी बड़ी होती है उसमें, और वो यहाँ पे देख सकते हो मोटर छोटी है लेकिन इसमें मैंने गियर लगाया है फ्रेंड्स, तो ये इसके टॉर्क यहाँ पे बढ़ा देता है, ठीक है, और जिससे आपका जो स्पीड भी मिल जाएगी आपको और ताकत भी मिल जाएगी इसमें, ठीक है। और ये काफ़ी सिंपल है फ्रेंड्स, आप कितनी भी बड़ी इसमें चरखी लगा सकते हो, देख सकते हो, निकाल भी सकते हो, दूसरी की चरखी भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही चरखी लगेगी इसके अंदर। और यहाँ पे देख सकते हो मैं इसमें चरखी लगाकर इसको कनेक्शन कर देता हूँ और ये हमारा चलने तैयार हो जाती है, देख सकते हो। और बैटरी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर आप छत पे अगर आपका पिन हो तो चार्जर भी लगा सकते हो, या फिर ट्रांसफार्मर का यूज़ भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना फ्रेंड्स, ताकि इसी टाइप की आपको अमेजिंग वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, बाय।